मत करो भाई सर, कहीं गए। अच्छा नहीं, आ गया, आ गया, आ गया। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। ऑन बिहाफ ऑफ द बियॉन्ड शुगर टीम एंड आल्सो एस्ट्राजेनेका, आई डॉक्टर आभास, आई वेलकम यू टू दिस साइंटिफिक एंड आल्सो अ वेरी अवेयरनेस सेशन ऑन द टॉपिक ऑफ डायलिसिस सिंप्लीफाइड। What are the myths and facts associated with dialysis? Because dialysis is a very common, modality which is being practiced in kidney patients. A lot of your near and dear ones, आपके बहुत सारे करीबी रिश्तेदार और दोस्त मित्र सब कोई ना कोई उनके पेरेंट डायलिसिस पे होंगे। सो हम लोग बहुत बार सुनते हैं डायलिसिस क्या होता है और क्या नहीं होता है, बट यू नो, लेट अस लिसन फ्रॉम आवर एक्सपर्ट अबाउट सम मिथ्स एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू डायलिसिस। ये कार्यक्रम हम इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी के कोलेबोरेशन में कर रहे हैं। This is done on the Beyond Sugar page and ये Facebook पे live चलेगा और इसकी आपको recording भी after the session is over you will be seeing the recording also if you are missing this session somehow and मैं अभी welcome करना चाहूँगा Dr. संदीप कुमार गर्ग का। Sir is a very senior nephrologist from the city of Meerut. He is the director, also the consultant nephrologist, dialysis and transplant expert at Newtema Hospitals in Meerut. And sir has a lot of distinctions regarding ABO incompatible transplant in private sector in UP, and he is also doing regular transplants now, and his center is a very heavy volume center for dialysis and other nephrology diseases. So Dr. Sandeep, first of all, we thank you for accepting our invite to join this. Thank you very much, Beyond Sugar Page. Thank you, Astra. And we are getting an increasing number of logins from patients and their caregivers and the general community, and a lot of them are interested to know what is what is for them for the dialysis part. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर दैट वी कैन स्टिक टू वेरी लेमन लैंग्वेज, हम हिंदी इंग्लिश मिक्स कर सकते हैं और ऑडियंस के भी क्वेश्चन हम उसके बाद में लेंगे। सर पहला क्वेश्चन जो आपसे होता है कि अगर पहली बार कोई पेशेंट आपके पास आता है या कोई रेगुलर फॉलोअप में पेशेंट है, उसे हम पहली बार आप डायलिसिस के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं, तो आप किस तरह से उसको काउंसल करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि अब आपको डायलिसिस शुरू करना है, क्या क्या सावधानियां आपको लेनी है जब शुरू कर रहे हैं, और उनके केयर गिवर्स को भी आप क्या एडवाइस देते हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप कुमार गर्ग हूँ, नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, डायलिसिस एक्सपर्ट, ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ यूनिटी हॉस्पिटल मेरठ में। और जैसा कि आपने पूछा मुझसे कि डायलिसिस क्या एक्सप्लेन करते हैं पेशेंट को, तो बेसिकली जब भी किसी पेशेंट को डायलिसिस के लिए हम इनिशिएट करते हैं तो हमें ये तय करना पड़ता है कि पेशेंट की डायलिसिस जो है टेम्परेरी रूप से हम करेंगे कि परमानेंट रूप से करेंगे। अगर पेशेंट को टेम्परेरी रूप से डायलिसिस की जरूरत है, जैसे कि पेशेंट डायबिटीज का पेशेंट है, पेशेंट को ब्लड प्रेशर है, या पेशेंट पहले से कोई गुर्दा रोग का रोगी है और उसको डायलिसिस होना है, जैसे कि हमें मालूम है कि हमारा पेशेंट एक डायबिटीज का है जो कि किडनी कमजोर है और वो हमारे साथ फॉलोअप में चल रहा लगातार, ऐसे पेशेंट को अगर हमें डायलिसिस करना है तो हम पेशेंट में प्लानिंग करते हैं, जैसे कि हमें आर्टेरियोवेनस फिस्टुला बनाते हैं। अब आर्टेरियोवेनस फिस्टुला क्या होता है? आर्टेरियोवेनस फिस्टुला क्या करते हैं, सर्जिकली आर्म के अंदर, ये जो हमारे आर्म है इसमें हम दो नसों को जोड़ के एक सर्जिकली लाइन को बना देते हैं, उससे हमारी जो वेन है वो डायलेट हो जाती है यहाँ वाली, और जब वेन डायलेट हो जाती है तो उसको हम उसमें हम डायरेक्ट नीडल लगा लेते हैं। तो दैट इज अ बेसिकली एक्सेस फॉर द डायलिसिस, पर ये हम एक टेम्परेरी गुर्दा रोग विशेषज्ञ मरीज में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेरी रोगी में हमें एक टेम्परेरी एक्सेस चाहिए। उसके लिए हम किसी भी लार्ज जो मोटी धमनी होती है हमारी उसके अंदर एक दो मुंह का कैनुला डालते हैं और उसके द्वारा हम डायलिसिस करते हैं। अब समझाने की बात यह है पेशेंट को कि भाई अगर पेशेंट का डिजीज टेम्परेरी है तो वो रिकवर कर सकती है और पेशेंट माइट रिक्वायर डायलिसिस फॉर few days to come, but अगर patient एक permanent गुर्दा रोगी है तो उसको dialysis फिर होता है कि prolong lifelong करनी पड़े। ऐसे में हम शुरू में initial वही जो दो मुंह का cannula होता है वो डालते हैं और उसके द्वारा dialysis करते हैं और patient को फिर हम long term dialysis के लिए या तो permacate डालते हैं गले के ऊपर या फिर उसको हम एक fistula बनाते हैं, ऐसे मैंने explain किया आपको, और इसी तरह हम dialysis करते हैं। अब बात आई कि समझाना क्या पड़ता है, समझाना वही है कि डायलिसिस टेम्परेरी होनी है, परमानेंट होनी है। अगर परमानेंट होनी तो हफ्ते में कम से कम 3 बार होनी है और जितनी एडिक्वेट डायलिसिस आप करेंगे उतना ही आपका लाइफ जो है वो ठीक रहेगी, आप हेल्दी रहेंगे, आप अपना डे टू डे एक्टिविटी कर सकते हैं, आप ऑफिस जा सकते हैं, अपनी जो जिम्मेदारियां पूरी कर सकते हैं और एक अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं अगर आप डायलिसिस ढंग से कराएंगे और हफ्ते में कम से कम 3 बार 4 घंटे डायलिसिस आप कराएंगे, 10 से 12 घंटे डायलिसिस हफ्ते में कराएंगे, तब आप एक जो परमानेंट गुर्दा रोगी है वो
स्वस्थ रहेगा और ठीक रहेगा। राइट सर, आपने कहा था कि दो तरह से होता है, एक कैथेटर के थ्रू होता है और एक एवी फिस्टुला से होता है, तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं और बहुत लोग एवी फिस्टुला के लिए रिलक्टेंट होते हैं, नहीं लगवाना चाहते हैं, कहते हैं कि कैथेटर से हो जाए तो अच्छा है, तो क्या प्रोज एंड कॉन्स है, क्या क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं दोनों मेथड्स के, जो परमा कैथ होता है और एवी फिस्टुला होता है? देखिए, हम जो डायलिसिस करते हैं उसके लिए एक्सेस की जरूरत है। एक्सेस हमारे पास मोटे मोटे दो एक्सेस हैं, टेम्परेरी एक्सेस है, परमानेंट एक्सेस है। टेम्परेरी एक्सेस के अंदर जो हमारे पास अवेलेबल है वो है डबल ल्यूमन कैथेटर अवेलेबल है, और जो परमानेंट एक्सेस है उसके लिए हमारे पास परमा कैथ अवेलेबल है और एवी फिस्टुला अवेलेबल है। जो परमा कैथ है वो भी एक टेम्परेरी कैथेटर है, ऑल्दो टनल्ड होता है, टनल बनी होती है, और टनल बनने की वजह से उसके जो कैथेटर होते हैं, जो टनल कैथेटर होता है उसकी वजह से पेशेंट को जो डायलिसिस होती है उसको अगर हम करेंगे तो उसमें इन्फेक्शन चांसेस बहुत कम होते हैं, और पेशेंट को वो टनल कैथेटर जो होता है, जो परमा कैथ कहते हैं हम लोग, वो 6 महीने, 8 महीने, साल भर तक काम कर सकता है। और जो बाकी कैथेटर होते हैं हमारे, जो टेम्परेरी कैथेटर होते हैं, वो हमारे मैक्सिमम 4 वीक्स to 6 वीक्स काम करते हैं, करने को वो भी 6 से 8 हफ्ते काम कर सकते हैं, परंतु उसमें इन्फेक्शन का बहुत डर रहता है। और अगर पेशेंट को अगर कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन एक बार हो गया तो इट इज अ कैटास्ट्रोफी। क्यों? क्योंकि अगर कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन जो होता है हमारा यूजली रेजिस्टेंट बैक्टीरिया से होता है, और ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये हमारे पेशेंट के शरीर में घुस के बहुत ही तबाही करते हैं, और यूजली पेशेंट जो है डायलिसिस के पेशेंट है, टेम्परेरी कैथेटर वाले, ये फीवर करके एडमिट होते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा खर्चा जो आता है वो एंटीबायोटिक्स का आता है। ये जो साधारण बैक्टीरिया होते हैं ये तो अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, बट जो हमारे डायलिसिस रिलेटेड बैक्टीरिया होते हैं ये बहुत ही असाधारण रूप से ठीक नहीं होते हैं, और इनमें काफी हाई डोज एंटीबायोटिक हमें देनी पड़ती है। एंटीबायोटिक देने की वजह से हमें बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ जाता है, तो बेटर ये है कि हम एक परमानेंट एक्सेस बनाएं पेशेंट को, आइदर वी मेड अ आर्टेरियोवीनस फिस्टुला एवीएफ, या फिर एक परमाकैथ डाल दें, टनल कैथेटर डाल दें, जिसके अंदर पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस बिल्कुल कम से कम हो, ताकि पेशेंट का कॉस्ट जो है वो एक सही डायरेक्शन में लगे, ना कि ये इन्फेक्शन कंट्रोल में हमें कॉस्ट एक्सपेंड करनी पड़े पेशेंट की। गॉट इट, गॉट इट। सर यू नो, अब हम देखते हैं कि बहुत जगह एडवर्टीजमेंट आती है, डायलिसिस हमारे यहाँ कराओ, हम 1000 रुपीज में करते हैं, 1500 में करते हैं, कुछ इवन 500 रुपए भी करते हैं, तो मतलब किसी को डायलिसिस सेंटर चूज करने से पहले क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, क्या इवेलुएट करना चाहिए? देखिए, डायलिसिस अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे करा रहे हैं और आपको फाइनेंसिस की प्रॉब्लम, तो देखो आज की तारीख में हर किसी को है, वैसे तो गवर्नमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और इवन कुछ लोग फ्री डायलिसिस भी कर रहे हैं, तो आई एम नॉट कंपेयरिंग दोज गवर्नमेंट सेंटर और फ्री डायलिसिस सेंटर विद 1500 वाले, क्योंकि 1500 वाले जो डायलिसिस सेंटर है ना वो आपका फ्री डायलिसिस तो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपको एक चीप डायलिसिस प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो चीप डायलिसिस होती है यूजली उसमें सब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, वो जो मुझे लगता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जब क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो जो आपका वाटर है, क्योंकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक डायलिसिस के अंदर कम से कम 133 लीटर्स ऑफ वाटर इज यूज्ड, एंड दैट वाटर हैज टू बी डबल अल्ट्रा प्योर वाटर होना चाहिए, दैट वाटर हैज टू बी डबल अल्ट्रा प्योर, तभी वो वाटर आपको नुकसान नहीं करेगा, वरना इतना हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर आपकी बॉडी में एक्सपोज होगा, आपको बॉडी को बॉडी के ब्लड में से आसपास से निकलेगा, तो डेफिनेटली बहुत नुकसान कर सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो आपका पानी है वो जो अल्ट्रा प्योर पानी है उसको हम इस्तेमाल करें, ताकि हमारे पेशेंट के अंदर कोई भी इम्प्योरिटी ना जाए। अब उस अल्ट्रा प्योर वाटर को मेंटेन करने के लिए एक डायलिसिस यूनिट को एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है, अब वो कैश तो डेफिनेटली पेशेंट से ही लेनी पड़ेगी, वो डायलिसिस यूनिट तो कहीं से देगी नहीं। तो इसलिए अगर कोई आपको फ्री डायलिसिस कर रहा है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट सेटअप्स, या फिर कोई आपको कोई चैरिटी बेसिस पे डायलिसिस कर रहा है, तो बात अलग है। अदरवाइज जो चीप डायलिसिस करते हैं लोग, वो यूजली क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करते हैं डायलिसिस वाटर की, डायलिसेट उनका, और जो डायलाइजर होता है, जो प्लास्टिक की किडनी होती है हमारी, उसको इस्तेमाल करते हैं, वो भी कभी कभी रीयूज करते हैं बियॉन्ड अ लिमिट। रीयूज करना चाहिए, यूरिस कैन बी डन, अगर पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर वॉल्यूम कंट्रोल करें, उसका कितना वॉल्यूम डायलिसिस का बचा है आफ्टर, प्रॉपर क्लीनिंग करें, प्रॉपर स्टोरेज करें, प्रॉपर लेबलिंग करें, देन डायलिसिस कैन बी रीयूज आल्सो। बट हम डायलिसिस रीयूज करने में कॉम्प्रोमाइज करें, उसको 4 से 5 से 6-7 बार टेस्ट करें और उसका डायलिसिस वॉल्यूम ना देखें, क्वालिटी ना देखें,
उसको बाबा यूज करते हैं, उससे क्या होगा, जो क्वालिटी ऑफ डायलिसिस है वो हैम्पर होती है। तो इसलिए हमेशा चीप चीज देख के उसके पीछे ना जाएं, वी हैव टू वेरी श्योर कि जो आपको होम डायलिसिस मिल रही है वो चाहे चीप मिल रही है, चाहे फ्री मिल रही है, चाहे महंगी मिल रही है, वो आपको ठीक मिलनी चाहिए ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक रहे, ताकि आपकी लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ और डायलिसिस वो मेंटेन रहे और आप एक लंबा आरामदेह जीवन जिए डायलिसिस के ऊपर। हम सब चाहते हैं कि आप जो डायलिसिस पे रोगी हैं वो एक लंबा जीवन जिए, 7 से 8, 9, 10 साल जिए, ताकि आप भी खुशहाल रहें, आपका परिवार भी खुशहाल रहे। तो नेवर गो फॉर अ चीप थिंग्स, हमेशा चीप जब देखते हैं तो देख लें कि आपको जो चीज प्रोवाइड की जा रही है वो एक स्टैंडर्ड चीज है कि नहीं। राइट राइट सर, कमिंग टू अनदर क्वेश्चन जो कि बहुत अब प्रचलन में है, दैट अ लॉट ऑफ सेंटर्स एंड लॉट ऑफ यू नो कंपनीज आर आल्सो ऑफरिंग होम डायलिसिस सर्विसेज, पेरिटोनियल डायलिसिस है, ECAPD है, तो ये किसको कराया जा सकता है, होम डायलिसिस कहाँ पे पॉसिबल है, उसके लिए क्या क्या चीजें हमें सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या ये हर पेशेंट में हो सकता है, नहीं हो सकता? देखिए CAPD डेफिनेटली टेक्निकली इट्स मोर, इट शुड बी मोर बेनिफिशियल, मतलब अगर टेक्निकली देखें तो एक नेचुरल मेम्ब्रेन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर एज अ डायलिसिस मेम्ब्रेन, तो डेफिनेटली ये थोड़ा बेटर होती है। बट हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है हमारे देश में कि जो एक सफाई का जो हमारे वो है ना, घर में हमारी सफाई जो है वो अप टू मार्क नहीं रहती है, तो डेफिनेटली पेशेंट्स आर हैविंग मोर चांस ऑफ इन्फेक्शन। बट स्टिल दे आर फ्यू सेट ऑफ पीपल लाइक पेशेंट जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, 7, 8, 10 साल के बच्चे जिनको डायलिसिस एक्सेस की प्रॉब्लम आती है, या फिर एल्डरली पॉपुलेशन है जिसके अंदर एक्सेस की प्रॉब्लम आती है, ऐसे पेशेंट के अंदर, या फिर हमारे साधारण पेशेंट जो हैं जिनके अंदर डायलिसिस एक्सेस नहीं है, या फिर जो हमारे डायलिसिस सेंटर दूर रहते हैं, समझ लीजिए हमको 80-90 किलोमीटर चल के आना पड़ता है डायलिसिस के लिए, तो डेफिनेटली दीज आर फ्यू पेशेंट ग्रुप्स जिसके अंदर हम CAPD जिसको हम होम डायलिसिस कहते हैं उसको हम कर सकते हैं। परंतु उसमें जो इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है इन्फेक्शन कंट्रोल, प्रॉपर ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग, ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग, सफाई, वो बहुत जरूरी है, एंड कॉन्टेक्ट विद योर डॉक्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऑफलाइन नहीं कर पा रहे तो ऑनलाइन आपका जो कोऑर्डिनेटर है उससे कॉन्टेक्ट में रहें, सफाई से करें, जब भी वो कोऑर्डिनेटर आपका विजिट करने आता है, होम विजिट करने आता है, तो उससे संपर्क में है ताकि हम डायलिसिस कर सकें। जहां तक क्वालिटी ऑफ डायलिसिस मतलब अगर कंपेयर करें CAPD और होम डायलिसिस का, तो क्वालिटी ऑफ डायलिसिस दोनों की ऑलमोस्ट इक्वल है, दोनों का सर्वाइवल भी बराबर सा है, बट हम अगर ठीक से करें तो अच्छा रहता है। वैसे CAPD आजकल क्योंकि हर जगह हीमोडायलिसिस अवेलेबल है, गुड क्वालिटी ऑफ डायलिसिस अवेलेबल नाउडेज काफी प्रचलन में आ गई है, तो इसलिए CAPD का यूसेज कम होता जा रहा है, अदरवाइज CAPD ऑल्सो इज अ गुड फॉर्म ऑफ डायलिसिस जिसको हम यूज कर सकते हैं, और पेशेंट कैन बी एनकरेज, खासकर मैं बताया है 4-5 पेशेंट ग्रुप है, छोटे बच्चे हैं, एल्डरली हैं, या फिर जो पेशेंट सेंटर से दूर रहते हैं, दोस कैन बी आस्क्ड टू गो फॉर होम डायलिसिस, दैट इज CAPD। गॉट इट। सर आपने टेम्पररी डायलिसिस के बारे में बोला, तो टेम्पररी डायलिसिस की डेफिनेशन सर क्या होगी, मतलब 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता कब तक हम टेम्पररी डायलिसिस को बोल सकते हैं कि ये टेम्पररी? देखिए जब भी हम किसी का पेशेंट का गुर्दा रोग होता है किसी को, तो गुर्दा रोग भी टेम्पररी होता है, परमानेंट होता है। अब टेम्पररी गुर्दा रोग कैसे होते हैं, आजकल का मौसम आप देख रहे हैं, मलेरिया का पेशेंट आ रहा है, पोस्ट मलेरिया कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट एडमिट हो रहे हैं जिनको किडनी खराब हो रही है, पोस्टमार्टम बच्चा होने के बाद किडनी खराब हो रही है कुछ लोगों की, इसके अलावा पोस्ट सेप्टिसीमिया लोगों की किडनी खराब हो रही है, या फिर किसी को जॉन्डिस हो गई उसकी वजह से किडनी खराब हो रही है, तो बहुत ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वजह से टेम्परेरी रूप से किडनी खराब हो जाती है 4 से 6 हफ्ते के लिए या 2 से 3 हफ्ते के लिए। ऐसे पेशेंट्स को अगर डायलिसिस हमें करना है, क्योंकि ऐसे पेशेंट में ग्रेजुअली ग्रेजुअली पेशेंट का जो किडनी है वो ठीक हो जाती है 7 से 8-10 दिन के बाद, तो ऐसे पेशेंट के अंदर जब टेम्परेरी डायलिसिस हमें करनी है तो उस पेशेंट के लिए हमें टेम्परेरी कैथेटर, दो मुंह का जो कैथेटर आता है जो कि हम लार्ज बॉडी की जो वेन्स होती है उसमें लगाते हैं, जैसे सबक्लेवियन वेन, यहाँ पर ये क्लेविकल है हमारा, क्लेविकल नीचे है, ये आपका इंटरजुगुलर है हमारा इसमें है, फिमोरल नीचे जांघ के पास है, तो टेम्परेरी कैथेटर डालते हैं और उसको टेम्परेरी रूप से डायलिसिस करते हैं, और ऐसे पेशेंट काफी नंबर 70-80% पेशेंट ऐसे होते हैं टेम्परेरी किडनी फेलियर के जो पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं और एक स्वस्थ जिंदगी जीते हैं। और आज अभी मलेरिया सीजन आ रहा है और पेरीपार्टम या बच्चा होने के बाद तो किडनी यूजली खराब नहीं होती, बट एक गुड नंबर ऑफ पेशेंट्स आते हैं जिनके अंदर किडनी कमजोर हो जाती है, और ऐसे पेशेंट को अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले तो इनकी किडनी टेम्पररी रूप से जो खराब होती है पूर्ण रूप से ठीक की जा सकती है। टाइमली इंटरवेंशन, टाइमली डायलिसिस, टाइमली
गिवन द ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट शुड बी गिवन। और अगर हम प्राइमरी सब कुछ करते हैं तो ये टेम्परेरी किडनी फेलियर पेशेंट वाले जो होते हैं ये बड़े अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, एंड अराउंड 70-80% ऑफ पेशेंट डू रिकवर ऑफ किडनी फंक्शंस और पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। राइट राइट सर, अब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो अभी लाइव भी हमारे पास आ चुका है ऑडियंस के द्वारा, दैट वी हैव नाउ टू इन्फॉर्म यू मोर देन 1200 ऑडियंस कनेक्टेड लाइव ओवर दिस प्रोग्राम। तो डायलिसिस का सर जो आपने जो मेथड बताया थे थ्राइस अ वीक, बट अ लॉट ऑफ पेशेंट्स आस्क कि अगर हम स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, अदरवाइज वी आर हेल्दी, नो अदर कोमॉर्बिडिटीज, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, बट तो भी थ्राइस अ वीक डायलिसिस कराना जरूरी है या सम सेशंस कैन दे स्किप? देखिए अगर पेशेंट का आउटपुट मेंटेन कर रहा है, समझ लीजिए पेशेंट को आउटपुट हो रहा है 700-800 ml आउटपुट हो रहा है 24 घंटे में, एंड क्रिएटिनिन अराउंड 7-8 हैंग कर रहा है, पेशेंट नॉन डायबिटिक है, तो डेफिनेटली अगर पेशेंट का वेट कम है से 30-40 kg 50 kg है तो आप ट्वाइस ऑफ वीक डायलिसिस पे भी काम चला सकते हैं। बट ये मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको कि आइडियली अगर आपको चाहते हैं कि सालों साल ठीक रहे तो आपको थ्राइस ऑफ वीक करानी चाहिए, बिकॉज डायलिसिस एडिक्वेसी इज समथिंग विच इज वेरी कम जानते हैं लोग उसके बारे में, और जब तक आप एडिक्वेट डायलिसिस नहीं करेंगे तो एडिक्वेट रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, और लॉन्गिटिविटी ऑफ डायलिसिस के लिए, लॉन्गिटिविटी ऑफ लाइफ ऑन डायलिसिस के लिए डेफिनेटली यू हैव टू एटलीस्ट थ्राइस अ वीक कराना चाहिए। टू बी ऑनेस्टली मैं एक टू टायर सिटी में काम करता हूँ मेरठ में, यहाँ पर हम लोग ज्यादातर जो प्रैक्टिस करते हैं वो थ्राइस अ वीक बोलते जरूर है, बट यूजली पेशेंट हमारे ट्वाइस अ वीक ही कराते हैं। Around 70-80% of patients get dialysis twice a week because of poverty definitely and probably because of जो एक अंदर nature patient का होता है कि सब लोग देखें twice a week कराएं तो हम भी twice a week करा लेते हैं, but ये आप महसूस करेंगे जो metros हैं या फिर यहाँ पर twice a week dialysis हो रही है, काफी units हमारे यहाँ है शहर में, हमारे मेरठ में तो नहीं है, मेरठ में usually twice a week ही लोग करवाते हैं, but जो पेशेंट्स हमारे समझदार होते हैं और twice a week dialysis कराते हैं उनकी longevity of life, quality of life is definitely far better than the patients whom are getting twice a week dialysis. तो दो बार dialysis कराने से अगर आप तीन बार dialysis कराते हैं तो definitely आपकी जो life है वो better होती है, आप better feel करते हैं, आपके अंदर fluctuations होती हैं जो urea creatinine के और fluid की वो कम से कम होती हैं, तो you are better off and आप ज्यादा लंबा जी सकते हैं dialysis पे अगर आप twice a week dialysis कराते हैं, क्योंकि जितने fluctuations होंगे urea creatinine बढ़ा घटा और जितना ऊपर नीचे जाएगा यूरिक एसिड उतना ही आपके बॉडी में बदलाव आएंगे, खासकर जब फ्लूड निकालते हैं हम तो जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकुलर है उसके ऊपर दबाव पड़ता है, फ्लूड हम छोड़ते हैं बॉडी के अंदर तो और दबाव पड़ता है, तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होगा, जितना फ्लक्चुएशन होंगे उतने ही आपके प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेंगी, और आपको मालूम ही है कि कार्डियोवास्कुलर जो कॉज है वो मोस्ट कॉमन कॉज है मॉर्बिडिटी का और मोर्टेलिटी का डायलिसिस के ऊपर, तो ऐसे पेशेंट जिनके फ्लक्चुएशन ऑफ बीपी होता है ऐसे पेशेंट्स को ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए बेटर है कि थ्राइस अ वीक कराएं, बट अगर आप ट्वाइस अ वीक भी कराते हैं तो आपकी गाड़ी चल सकती है। राइट राइट सर, जो मतलब एक बहुत ही कॉमन सा जो यू नो पॉइंट हम डायलिसिस वाले पेशेंट्स में देखते हैं कि या उनके खासकर केयर गिवर्स में ज्यादातर देखते हैं दैट जब भी आप डायलिसिस का बोले तो दे विल से कि अरे डायलिसिस कराना पड़ेगा, इट्स वेरी पेनफुल, उससे बहुत दर्द होगा, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो कितनी सही है कि डायलिसिस इज अ पेनफुल प्रोसीजर, डायलिसिस हैज लॉट ऑफ कॉन्ट्राइंडिकेशंस कॉम्प्लिकेशंस, ये बातें आप कैसे क्लेरिफाई कर सकते हैं सर? देखिए डायलिसिस एट ऑल अनकॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, हमारे यूनिट में करीब 1000 डायलिसिस और डायलिसिस करते हैं पर मंथ करते हैं और हार्डली आई गॉट अ कॉल, बट ये क्यों हुआ है सर? ऐसा इसलिए हुआ है कि स्टाफ ट्रेंड है, स्टाफ को रिट्रेन किया गया है, स्टाफ को प्रॉपर हम उसको समझाते हैं, पढ़ाते हैं, ड्यूरिंग राउंड्स हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, इसके अलावा जो मशीन्स हैं क्वालिटी ऑफ मशीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो एयर बबल वो है सिस्टम है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपके जितने अलार्म्स हैं वीनस अलार्म्स हैं TMP अलार्म्स हैं वो काम कर रहे नहीं कर रहे आपके, टू बी ऑनेस्ट कुछ हमारे स्टाफ है जो कि दे फील टू स्मार्ट, वो क्या करते हैं अलार्म को डिसेबल कर देते हैं, तो दैट ऑल्सो बी टू बी सीन कि आपने आपकी मशीन में अलार्म डिसेबल तो नहीं है, क्योंकि आप अगर अलार्म डिसेबल कर देंगे अपने स्टाफ को ट्रेन रिट्रेन नहीं करेंगे डेफिनेटली देयर आर मोर चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन। फिर इंडिविजुअलाइज प्रिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी है, अगर एक पेशेंट 80 किलो का है एक पेशेंट 40 किलो का है तो जितना है पहले 80 किलो में देना है उतना 40 किलो में नहीं देना है, जितना डायलिसिस आपको 80 किलो में देना है उतना 40 किलो में नहीं देना है, तो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन फॉर एक इंडिविजुअल पेशेंट, ट्रेनिंग रिट्रेनिंग ऑफ स्टाफ
एंड रेगुलर राउंड्स बाय अ डॉक्टर इन अ डायलिसिस यूनिट इज मस्ट टू गेट लेस लेस एंड लेस नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। इसके अलावा आपकी यूनिट ऐसी होनी चाहिए, इक्विप्ड होनी चाहिए, उसके अंदर आप कोड ब्लू नाम की ट्रेनिंग करें, आप उसको इन्फेक्शन कंट्रोल की ट्रेनिंग करें, आपकी जो हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स है उसको बोलें कि वो आए रेगुलर वॉच करे ड्यूरिंग लाइन, जब डालते हैं हम टेम्परेरी डायलिसिस कैथेटर डालते हैं उसकी केयर करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, तो उन सब जितने भी प्रोसीजर हैं हमारे उनके आप ट्रेनिंग रीट्रेनिंग करेंगे, डेफिनेटली जो कॉम्प्लिकेशन है वो कम होंगे, और जितना अच्छे सेंटर पे आप डायलिसिस कराएंगे उतने ही कॉम्प्लिकेशन चांसेस कम हो जाएंगे। आपका जो स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग, आई एम इम्फसाइजिंग ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग बिकॉज ट्रेन स्टाफ भी गलती कर सकता है, तो इसलिए डॉक्टर की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। तो जितना आप चाहते हैं कि आपकी डायलिसिस में कॉम्प्लिकेशन कम से कम हो, आपकी लाइफ लॉन्ग हो, लॉन्गिटिविटी रहे, आप स्वस्थ रहें डायलिसिस पे, और आपका न्यूट्रिशन के पार्ट को भी डॉक्टर आपको एक्सप्लेन करे, स्टाफ एक्सप्लेन करे, डेफिनेटली आपकी जो लाइफ है वो डायलिसिस पे लंबी होगी और काफी अच्छे समय तक आप एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पाएंगे डायलिसिस के ऊपर। सर एक लिसनर का क्वेश्चन है दैट मेरी मदर को डायलिसिस चल रहा है, उनका हीमोग्लोबिन लेवल पेरेनियली कम रहता है, इवन आफ्टर डायलिसिस आयरन के इंजेक्शन भी चल रहे हैं और भी दवाइयां चल रही, तो उनको क्या करना चाहिए जिससे आयरन लेवल्स हमारे बढ़े? देखिए हमारे जो पेशेंट्स हैं डायलिसिस के पेशेंट हैं, मैंने पहले भी कहा कि डायलिसिस इज नॉट अ कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ किडनी फंक्शंस। तो एक जो मेजर फंक्शन है किडनी का कि ब्लड का प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो पाता है जब पेशेंट डायलिसिस पे होता है, तो अब ऐसे में जो ओनली ऑप्शन अवेलेबल है वो है आईवी आयरन एंड आईवी या फिर सबकुटेनियस या फिर एथ्रोपोइटिन। एथ्रोपोइटिन भी बहुत तरह का आता है, एथ्रोपोइटिन आता है प्लेन आता है, एथ्रोपोइटिन पेगलेटेड आने लगा है आजकल, और डबापोइटिन आने लगा है, तो तीन चार तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं जो कि हम डायलिसिस में लगाते हैं पेशेंट को हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। हीमोग्लोबिन बढ़ाने से पहले बहुत जरूरी है कि एथ्रोपोइटिन लगाने से पहले बहुत जरूरी है कि पेशेंट का आयरन रिप्लीट हो, मतलब आयरन पूरा बॉडी के अंदर हो, तभी एथ्रोपोइटिन भी एक ठीक रूप से काम करेगा। तो जो पेशेंट रेगुलर डायलिसिस के मेंटेनेंस डायलिसिस के ऊपर है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपना आयरन प्रोफाइल कराते रहें कि आपके बॉडी में आयरन है कि नहीं है। अगर आयरन कम होगा तो एथ्रोपोइटिन भी ठीक से काम नहीं करेगा, तो आयरन की कमी पूरी करने के लिए आयरन आपको देना जरूरी है वीकली बेसिस पे या फिर 10 डेज बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, डिपेंडिंग ऑन द कौन सा आयरन यूज कर रहे हैं, बिकॉज आयरन भी बहुत तरह के अवेलेबल है आजकल। इसके अलावा जो एथ्रोपोइटिन है वो भी बहुत तरह के अवेलेबल है, एथ्रोपोइटिन सिंपल जो आता है वो आता है, इसके पेगलेटेड एथ्रोपोइटिन आता है, इसके अलावा डबापोइटिन आता है, तो जो पेगलेटेड है वो लंबे समय तक 15-20 दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, डबापोइटिन आप 10-12 दिन पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नॉर्मल है वो ट्वाइस ए वीक या थ्राइस ए वीक देना पड़ता है आपको। तो बेसिकली एडिक्वेट आयरन होने के बाद जब एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एथ्रोपोइटिन आप देंगे तो पेशेंट का हीमोग्लोबिन बढ़ता रहेगा। अगर बाई चांस पेशेंट को एथ्रोपोइटिन नहीं बढ़ हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है इन स्पाइट ऑफ गुड डायलिसिस, गुड न्यूट्रिशन, गुड आयरन, तब आपको उसमें इवेल्युएट करना पड़ेगा क्या रीजन है। कभी कभी पेशेंट को ब्लड लॉस होता है, जैसे पॉटी में खून आ रहा है, पॉटी में खून आने का मतलब ये नहीं लाल पॉटी आ रही है, पॉटी अगर पॉटी में इन मतलब दिखाई भी नहीं देगा आपको पॉटी में ब्लड लॉस होगा। इसके अलावा जो आप आयरन लगा रहे हैं आपकी बॉडी में जरा आपका ट्रांसफर सैचुरेशन जो है 20% से कम है, सीरम फेरेटिन की वैल्यू कम है, अगर सीरम फेरेटिन कम है, सैचुरेशन कम है ट्रांसफरिन का, तो आपका एथ्रोपोइटिन भी वर्क नहीं करेगा ठीक से। इसलिए जब आपको एक रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ है उस वॉल्यूम से आप उसको लगा रहे हैं, आयरन भी लगा रहे हैं, एथ्रोपोइटिन भी लगा रहे हैं, तो तब भी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है तो डेफिनेटली दैट हैज टू बी इवैल्यूएटेड, एंड उसके इवैल्यूएशन के लिए आपको आयरन स्टडीज करानी पड़ेंगी, आपको ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा वो देखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बाय चांस कुछ पेशेंट में एथ्रोपोइटिन एंटीबॉडीज जरूर आती है तो उसके लिए आपको दूसरा एथ्रोपोइटिन यूज करना पड़ेगा, जैसे पेगलेटेड यूज कर सकते हैं या फिर डबापोइटिन यूज कर सकते हैं, कभी कभी ब्रांड को चेंज करने से भी, तो इट समटाइम्स इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ नॉन रिस्पॉन्सिव एथ्रोपोइटिन, बट यूजली हम लोग अगर ढूंढते हैं कॉज को तो मिल जाता है और पेशेंट अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है विद एथ्रोपोइटिन एंड आयरन। सर यू आर राइट, आई थिंक आई विल आल्सो एडवाइस द पेशेंट कि आप आयरन स्टडीज कराएं, अपना ट्रांसफरिन सैचुरेशन फेरिटिन लेवल्स भी कराएं, और आप मतलब नई दवाइयां भी अवेलेबल हैं, नए तरह के डार्बेपोइटिन भी अवेलेबल है, देर आर नाउ मेडिसिन अवेलेबल विच कैन ऑल्सो टेक केयर ऑफ इन्फ्लेमेशन, सो इवन फेरिटिन बढ़ाओ उसमें भी देर आर मेडिसिन, ओरल मेडिसिन विच आर नाउ अवेलेबल, तो आप उनसे प्रिस्क्रिप्शन करें। एंड आई गेस एज सर वाज सेइंग प्रोबेबली आयरन का डोज सही ना लग रहा उनको, ये भी हो सकता है कि एरिथ्रोपोइटिन चल रहा बट आयरन ना लग रहा हो, तो भी प्रॉब्लम है। सर अगेन अ लिसनर हैज आस्क्ड अस दिस क्वेश्चन दैट उनके फादर को डायलिसिस चल रहा है और
इनके फादर को हाइपर पैराथायरॉयडिज्म डायग्नोस हुआ है और उनके बोन्स काफी वीक हो गए हैं, कैल्शियम लेवल्स हाई रहते हैं, पीटीएच लेवल्स उनका कंट्रोल नहीं हो रहा है इन स्पाइट ऑफ गिविंग विटामिन D3। तो पहले तो ये SHPT और जो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है कितना कॉमन होता है पेशेंट्स में और उसके उसको कैसे मैनेज किया जाता है, आप अपने सेटिंग में कैसे मैनेज करते हैं? देखिए जैसे पेशेंट है आपका है ना, पेशेंट को अगर रीनल फेलियर है तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होना ही होना है उसको। अब डिपेंड करता है कौन सा होना है, लो टोन ऑफ बोन डिजीज है कि हाई टोन ऑफ बोन डिजीज है। अब हाई टोन ऑफ बोन डिजीज में सेकेंडरी प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। अगर देखो प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म तो रीनल फेलियर करेगा, वो अलग चीज हो गई, बट जब रीनल फेलियर वाला जो हमारा पैराथायरॉयडिज्म है वो सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कहलाता है। कभी कभी कुछ पेशेंट के अंदर टर्शियरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, टर्शियरी मतलब जब आपका जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है जो कि थायराइड ग्लैंड के पीछे होता है हमारा, वो आपका ऑटोनोमस हो जाता है, दैट इज नोन एज टर्शियरी हाइपरपैराथायरॉइडिज्म। तो टर्शियरी में डेफिनेटली समटाइम्स वी रिक्वायर सर्जरी आल्सो, वी हैव टू कॉल अवर एंडोक्राइनल सर्जन, एंडोक्राइन जो हमारे सर्जरी वाले सर्जन है हमारे हॉस्पिटल में है, वो उनको हम कभी कभी कॉल अप करते हैं, बट इट्स वेरी रेयर टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम सर्जरी के लिए बहुत ज्यादा यूज नहीं, मतलब बहुत ज्यादा प्रो नहीं रहते हैं, बट sometimes we do require जब patient को tertiary hyperparathyroidism हो जाए और patient का जो वो है क्या बोलते हैं it go beyond 2000, 2000 से ऊपर चला गया, 1500 से ऊपर चला गया, respond नहीं कर रहा to all our maneuvers like calcium अपने control करने के लिए patient को calcium दे दिया, अगर patient को hypercalcemia है तो हमने non-calcemic phosphobinder दे दिए, अगर पेशेंट को कैल्शियम बढ़ा हुआ है तो मतलब कैल्शियम तो कैल्शियमेटिक जो आते हैं एजेंट्स आते हैं वो दे दिए हमने। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि विद ऑल द मैन्यूवर्स विच आर नोन एंड विच आर यूजली बीइंग डन बाय नेफ्रोलॉजिस्ट, विटामिन डी कम है पेशेंट को, कभी क्या है कि बोन डिजीज के अलावा ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकती है, तो वी शुड बिफोर गोइंग फॉर एनी सर्जरी और बिफोर गोइंग फॉर एनी हाईफाई ट्रीटमेंट वी शुड इवेल्यूएट द बोन डिजीज, पेशेंट को बोन पेन क्यों है, whether it's basically because of secondary hyperthyroidism, because of tertiary hyperthyroidism, because of osteoporosis. तो हम patient का complete workup कराएं, calcium, phosphorus, intact PTH कराएं उस patient का, और patient का DEXA scan भी कराएं, vitamin D level भी कराएं, and then we evaluate कि क्या reason है उसके bone pains का। उसके हिसाब से कभी कभी ऐसे patient है उनको low turnover bone disease भी होती है, तो कभी कभी PTH low हो जाता है, तो उसका treatment अलग है। तो basically classifying the treatment cause of bone pain, whether it's low turnover disease, whether it's hyper turnover disease, high turnover में secondary hyperthyroidism है कि tertiary है, tertiary में आपके calcium-mimetic जो आपके agents हैं उनसे respond कर रहा है नहीं कर रहा, then we can call for our endocrine surgeon to go ahead with the surgery also. But surgery में मैंने देखा है, what I have seen is one or two patients में कि दूसरा जब सब surgery patient तो symptomatically improve हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं, but उसको hypocalcemia बहुत severe हो जाता है। तो वी शुड बी वेरी श्योर कि हाँ हमें सर्जरी करनी कि नहीं करनी, बट यू 90% ऑफ पेशेंट गेट रिस्पॉन्ड, मतलब 90-95% ऑफ पेशेंट रिस्पॉन्ड्स टू द ट्रीटमेंट जो हम लोग साइंटिफिक रूप से करते हैं। तो एक प्रॉपर एवेल्युएशन हो पेशेंट का, क्लासिफिकेशन हो डिजीज का, ऑफिस का ट्रीटमेंट हो, तो 95-95% पेशेंट रिस्पॉन्ड करते हैं, दे गेट बेनिफिटेड। अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, टर्शियरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म में नॉन रिस्पॉन्सिव है, तो डेफिनेटली सर्जरी कैन बी ऑफर टू दीज पेशेंट्स। सर डायलिसिस में आपने बताया कि इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं कई बार अगर सही तरीके से ना किया जाए, और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं सर डायलिसिस से, कोई न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन भी होता है क्या, या कोई और भी कॉम्प्लिकेशन अगर आपको आपने देखे हो अपने प्रैक्टिस में? देखिए डायलिसिस में जब हम इनिशिएट करते हैं तो एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, ठीक है ना, DDS, डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। अब ये क्या होता है, यूजली पेशेंट जो एल्डरली है, पेशेंट जो डायबिटिक्स है, पेशेंट का काफी एडवांस है, 300 यूरिया है, 400 यूरिया है, और डायलिसिस के लिए आ रहे हैं। अब वही ऐसे आपने बताया कि कुछ सेंटर्स पे क्या है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, तो वो डायलिसिस कर देते, स्टैंडर्ड डायलिसिस कर दिया, फर्स्ट डायलिसिस कर दिया, एल्डरली पेशेंट का 400 यूरिया है, एल्डरली पेशेंट है, डायबिटिक है, स्टैंडर्ड 2 घंटे डायलिसिस कर दिया। अब स्टैंडर्ड डायलिसिस 2 घंटे कर दिया, फर्स्ट डायलिसिस, पेशेंट जब आप गए शाम को राउंड लेने तो पेशेंट बेहोश हो गया। अब घर वाले भी परेशान है, जब लाए तो होश में थे पेशेंट, अब बेहोश हो गया। तो दिस इज नोन एज डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। तो एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन डायलिसिस टू बी गिवन, ये बहुत कॉमन देखा गया है खासकर एल्डरली पेशेंट के अंदर, डायबिटिक पेशेंट के अंदर जो लेट स्टेज पे आ एडवांस रिनल फेलियर में, तो उसमें आपको, और दूसरा बच्चों में बहुत कॉमन है, बच्चा आया 12 साल का बच्चा है, 200 यूरिया है, आपने पहले बार में ही 1.6 डाला, मतलब बेसिकली प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन आप देंगे तो DDS के चांसेस बहुत कम है।
पहली बात। दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन होता है ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन, ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन अगेन क्या आपने हेपेरिन दे दिया, पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यहाँ पे देखा नहीं, पेशेंट का लिवर डिजीज साथ में है, पेशेंट का ड्रेन कॉगुलेशन है, आपने हेपेरिन दे दिया तो ब्लीडिंग हो गई। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन जो नॉर्मल डायलिसिस पेशेंट के अंदर होते हैं जैसे कि हाइपोनेट्रीमिया हो गया पेशेंट को बिकॉज डायसिलेट सोडियम का कम है, हाइपोकैलेमिया हो गया बिकॉज डायसिलेट पोटेशियम कम है, आपने पोटेशियम चेक ही नहीं कराया, तो इससे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। फिर आपको जो कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन जैसे आपने जिक्र किया अभी, तो इन्फेक्शन का जो मेन कारण है डायलिसिस पेशेंट के अंदर वो कैथेटर रिलेटेड होता है अगर पेशेंट टेम्पररी डायलिसिस के ऊपर है। अगर पेशेंट परमानेंट डायलिसिस के ऊपर है तो यूजुअली इन्फेक्शन जो है वो निमोनिया पेशेंट को हो गया या फिर यूटीआई हो गया। ऐसा भी राइट नाउ वी आर हैविंग पेशेंट हु इज ऑन डायलिसिस फॉर लास्ट 3.5 इयर्स, अभी सडनली इसको हाइपरटेंशन हो गया, हम सोच रहे हैं क्या रीजन है, क्या रीजन है, सडनली फाउंड आउट कि उसको बिल्कुल फ्रैंक कर्डी यूरिन हो रहा है, यूटीआई। तो मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि पेशेंट ऑन डायलिसिस दे आर मोर प्रोन फॉर इन्फेक्शंस बिकॉज दे आर इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज, दे आर यूरेमिक, ऐसे पेशेंट में इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। अगर पेशेंट कैथेटर के ऊपर है देन दे आर मोर चांस ऑफ गेटिंग कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन। तो हमको बहुत ही समझदारी से काम लेना चाहिए जब भी हम पेशेंट को देखते हैं। और कॉम्प्लिकेशन आर वेरी लेस नाउडेज बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग रिट्रेनिंग एडवांस मशीनरीज विच आर नाउ अवेलेबल। सर अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कम से कम 4-5 बार अभी लाइव भी पूछा जा चुका है कि डायलिसिस पेशेंट्स में डाइट के क्या एडवाइस देते हैं, अब डाइट है, फ्लूइड इनटेक है, सॉल्ट इनटेक है, ये सब के बारे में आप क्या एडवाइस उनको देते हैं? देखिए आप पहली बात आई सॉल्ट की, तो सॉल्ट अगर पेशेंट डेफिनेटली पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो उसको सॉल्ट तो हमें एक्स्ट्रा सॉल्ट तो नहीं देंगे उसको। अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सॉल्ट दे ही ना के बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, नॉर्मल अमाउंट ऑफ सॉल्ट हैज टू बी गिवन टू अ पेशेंट हु इज ऑन डायलिसिस बिकॉज अगर हम पेशेंट को नॉर्मल डायलिसिस जो है पेशेंट डायलिसिस के ऊपर है अगर नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ डायलिसिस सॉल्ट नहीं देंगे तो वो भी उसके लिए फायदेमंद नहीं है। वेदर दीज पेशेंट्स हू आर गेटिंग मतलब जो पेशेंट ऐसे जिनको बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन ऑफ हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता है, उनको 5-6 ड्रग की जरूरत पड़ रही है डायलिसिस ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए, तो उसका रीजन है कि वो या तो फ्लूड उनका कंट्रोल नहीं है बिकॉज जो हाइपरटेंशन है डायलिसिस के ऊपर इट्स मल्टीफैक्टोरियल, एक रीजन नहीं होता है, फ्लूड कुड बी वन कॉज, इंक्रीज सॉल्ट कुड बी अनदर कॉज, सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स जिनकी वजह से कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो सॉल्ट बंद नहीं करना है, सॉल्ट को कम करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है पहली बात। दूसरी बात आई ड्रग्स की, ड्रग्स हमको रेगुलर इंटरवल पे लेनी है, खासकर जब हम ऑफ डेज ऑफ डायलिसिस पे हैं, जब डायलिसिस हमारी ऑफ है उन दिन हमें रेगुलर टाइम पे डायलिसिस दवाइयां लेनी है, सुबह 7 बजे की तो 7 बजे लेनी है, 9 बजे की 9 बजे लेनी है। ये नहीं कि सुबह शाम क्या रखा किसी डॉक्टर ने तो सुबह का मतलब आपने सुबह 10 बजे ले ली शाम को 6 बजे ले ली, ऐसे नहीं, 10 का मतलब सुबह शाम लेनी तो सुबह 10 बजे शाम को 10 बजे, सुबह 8 बजे शाम को 8 बजे, दिन में 3 बार लेनी तो 7, 3, 10, 8, 2, 10, ऐसे मतलब प्रॉपर एक आपको डिफरेंस होना चाहिए 8 घंटे का या 12 घंटे का दवाई लेने के लिए। इसके अलावा कुछ ड्रग्स होती है लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स होते हैं, ऐसे कुछ ड्रग्स हैं जो लॉन्ग एक्टिंग लंबे समय तक काम करती हैं, उनको आप एक लॉन्ग मतलब ओडी दे सकते हैं, ट्वाइस अ वीक दे सकते हैं, बट ट्वाइस अ डे दे सकते हैं, बट कुछ ड्रग्स हैं शॉर्ट एक्टिंग होती हैं उनको आपको उसी प्रॉपर इंटरवल में लेना है। तो आपको पेशेंट को जब भी ड्रग प्रिस्क्राइब करनी है तो पेशेंट को समझना पड़ेगा कि हमें जो दवाई दे रहे हैं भाई कौन सी दवाई है, कितने घंटे काम करती है। डायलिसिस से पहले जब आप जाते हैं तो डायलिसिस पहले वो दवाइयां ना लें क्योंकि आपको डायलिसिस में डेफिनेटली एक ब्लड प्रेशर थोड़ा फॉल करता है, तो ऐसे में अगर आप दवाइयां लेके जाएंगे तो पेशेंट का ब्लड फॉल करेगा, फिर आपको जो प्रॉपर अल्ट्राफिल्ट्रेशन ड्यूरिंग डायलिसिस है वो नहीं मिल पाएगा। तो बेसिकली हाइपरटेंशन ड्यूरिंग डायलिसिस इज सेपरेट एक एंटिटी है, इसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्टर से काउंसलिंग करानी पड़ेगी, डॉक्टर से पूछना पड़ेगा कौन कौन सी दवाइयां मुझे खानी है, मुझे कि डायलिसिस से पहले दवाई लेके आनी है कि नहीं लेके आनी है, एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट डायलिसिस लाइक 95% टू 98% ऑफ पेशेंट ऑन डायलिसिस दे आर हाइपरटेंसिव एंड समटाइम्स बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ हाइपरटेंशन वी कैन हैव ब्लीड्स आल्सो, पेशेंट को ब्लीडिंग हो जाती है ब्रेन के अंदर। तो कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग डायलिसिस, अगर हम डायलिसिस कंट्रोल नहीं करते हैं, दवाइयां प्रॉपर नहीं खाते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि आपने डायलिसिस के पहले आपने दवाई नहीं खाई बिकॉज आपको ब्लड प्रेशर फॉल करता है और डायलिसिस खत्म होते होते आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, तो सून आफ्टर लाइक यू ड्यूरिंग डायलिसिस या थर्ड फोर्थ आवर ऑफ डायलिसिस यू गेट अ टैबलेट ऑफ ब्लड प्रेशर सो दैट आपको एक्सेलरेशन ऑफ हाइपरटेंशन ना हो आफ्टर डायलिसिस और ड्यूरिंग डायलिसिस। तो उसको सबको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, आपको डॉक्टर के पर्सनल कॉन्टेक्ट में रहना पड़ेगा, टेक्नीशियन जो स्मार्ट होते हैं उनके साथ में बात करते रहनी पड़ेगी ताकि आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, बिकॉज जैसे मैंने पहले भी कहा जितना फ्लक्चुएशन होगा ब्लड प्रेशर का, फ्लूड का,
यूरिया क्रिएटिनिन का, उतना ही लॉन्गेटिविटी ऑफ डायलिसिस आपकी कम हो, मतलब आप लंबा नहीं जी पाएंगे डायलिसिस के ऊपर। एंड ऐसा नहीं है कि आप डायलिसिस फर्स्ट ईयर में आप अच्छा कर रहे हो, सेकंड ईयर में खराब करोगे, थर्ड ईयर में खराब करोगे, फोर्थ ईयर में खराब करोगे। तो अगर आप पहले साल से अच्छा लेके चलोगे तभी आपकी डायलिसिस जो है आप 8-9 साल निकालोगे। अगर आप पहले साल में अच्छा नहीं करोगे तो 8-9 साल नहीं निकालोगे, आप 3-4 साल में ही प्रॉब्लम हो जाएगी। ये है प्रोटीन और फ्लूइड इंटेक के बारे में सर आप कुछ एडवाइस देना चाहते हैं तो? प्रोटीन, हाँ प्रोटीन डेफिनेटली, एक जो प्रोटीन हमारे पेशेंट्स का होता है, देखो पेशेंट हमने जो पेशेंट ये सारी पेशेंट्स हैं या क्लास थ्री क्लास फोर के पेशेंट्स हैं उनके अंदर हमने प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करके चलते हैं यूजली, है ना। बट जैसे ही हम डायलिसिस के ऊपर आते हैं तो हमें 1.5 गुना मतलब 1.5 टाइम्स ऑफ जो पेशेंट को पहले प्रिस्क्राइब्ड है उसको प्रोटीन देना पड़ता है। जो वेजिटेरियन पेशेंट्स हैं उनके लिए अब सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, प्रोटीन पाउडर्स अवेलेबल हैं, उनको भी एक प्रॉपर डाइटिशियन आपके जो राउंड्स पे आती हैं उनसे बात करें, उनसे मिलें। और हाई प्रोटीन डाइट तो हर पेशेंट को खाना चाहिए। जब भी पेशेंट का डायलिसिस 1-2 घंटे का हो जाता है तो उसको हाई प्रोटीन में पनीर है, सोयाबीन की मंगौड़ियाँ हैं, नॉन वेज को जो खाते हैं नॉन वेज ले सकते हैं, अंडा इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। बिकॉज अंडे में क्या है, एक तो आप जो इवन कुछ एगेटेरियंस होते हैं वो खा सकते हैं, इवन वेजिटेरियंस कैन हैव एग्स, ओनली फ्यू कम्युनिटीज जो कि एग भी नहीं खाती हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ पीपल टेक एग। और एग जो है ना कॉम्पैक्ट और गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, उससे क्या होता है कि एक आपको एक प्रोटीन का प्रॉपर मिल जाता है एक छोटे कॉस्ट में भी, मतलब एग इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन जो कि कम कॉस्ट में अच्छा प्रोटीन आपको प्रोवाइड करता है। तो वन ऑन डायलिसिस पेशेंट ऑन डायलिसिस हैज टू टेक 1.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी पर डे, जो कि एक बहुत ही मुश्किल होता है अचीव करना। उसके लिए आपको अंडे भी 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम के हिसाब से खाने पड़ेंगे, तब जाके आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा होगा। फिर पता है फ्लूड की, तो फ्लूड भी हमको कम रखना पड़ेगा क्योंकि अगर हम आउटपुट हमें कम हो रहा है, पेशाब कम हो रहा है और हम पानी पीते रहेंगे या फिर पानी पीते रहेंगे तो हमारा फ्लूड बढ़ेगा। जब बॉडी में फ्लूड बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा हमारा दिल यूजली जो डायलिसिस वाले पेशेंट कमजोर होता है तो ऐसे पेशेंट को ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से एक्सेलरेशन हाइपरटेंशन होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो पेशेंट एलिवेशन में चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर में चला जाएगा, सांस फूल जाएगी। तो बेसिकली फ्लूड रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, नमक रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, हाई प्रोटीन डाइट लेनी पड़ेगी ताकि आप, इसके अलावा कुछ लोग फ्रूट्स खाने शुरू कर देंगे, आ रहा है आम का मौसम आ रहा है फ्रूट्स खाना, तो फ्रूट्स नहीं खाना है। फ्रूट्स खाएंगे तो पोटेशियम बढ़ेगा, पेशेंट कहना कार्डियो कॉम्प्लिकेशन, तो फ्रूट्स नहीं खाने हैं। नमक कम लेना है, बंद नहीं करना, कम लेना है, पानी कम से कम इस्तेमाल करें और प्रोटीन ज्यादा मात्रा में खाएं, तभी आपकी कॉम्प्लिकेशन लाइफ में कम होंगी और आप एक लंबे समय तक डायलिसिस पे स्वस्थ जीवन बिता पाएंगे। जी सर। सर अगर किसी डायलिसिस पेशेंट को मान लीजिए कार्डियक सर्जरी या कोई जॉइंट सर्जरी या कोई भी और सर्जरी की रिक्वायरमेंट है तो कुछ स्पेशल प्रिकॉशन लेने चाहिए, इज इट इस सर्जरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड और लाइक क्या क्या हमें सर्जरी के टाइम करना चाहिए डायलिसिस के टाइम डायलिसिस के लिए? हमारे जो बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है वो यही है कि अगर पेशेंट को कोई भी कोमोर्बिडिटी है, कोई भी प्रॉब्लम है जो पेशेंट डायलिसिस के ऊपर है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट कि आप सब करा के दे। ऐसा नहीं कि पेशेंट को डायलिसिस हो रहा है तो कैटरेक्ट सर्जरी नहीं होगी, पेशेंट को डायलिसिस है तो बाईपास नहीं होगा, पेशेंट को डायलिसिस पे है तो नी सर्जरी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। अगर आप नहीं करा पा के दे रहे हैं पेशेंट को तो आप एक प्रॉपर मतलब आप एक नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, तो एक नेफ्रोलॉजिस्ट अगर वो जो जो नहीं करा पा रहा है सर्जरीज को तो वो मतलब नहीं समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सुपर स्पेशलिस्ट हो, आप पेशेंट को जानते हो, पेशेंट की हर चीज जानते हो, आप हेपारिन कितना देना जानते हो, हेपारिन नहीं देना जानते हो, बिना हेपारिन डायलिसिस करना जानते हो, तो आप अगर नहीं करा पा रहे हो तो बट स्टिल देयर फ्यू सर्जरीज जो कि हम यूजली अवॉइड करते हैं, बट पेशेंट डायलिसिस कैन गेट बाईपास ऑल्सो, कैन गेट नी रिप्लेसमेंट ऑल्सो, कैन गेट एल्गो रिप्लेसमेंट ऑल्सो, कैन गेट हिप रिप्लेसमेंट, कैन गेट कैटरेक्ट सर्जरी ऑल्सो, कैन गेट मतलब एवरी सॉर्ट ऑफ सर्जरी कैन बी डन ऑन डायलिसिस। लैब कॉल बैटर सर्जरी कराते हैं लोग, डायलिसिस वाले पेशेंट कराते हैं, हर्नियाज कराते हैं, तो दिस ऑल कैन बी डन। बट उसके लिए पेशेंट थोड़ा सा मॉडरेटली फिट होना चाहिए, पेशेंट को समझाना पड़ेगा आपको, कॉम्प्लिकेशन चांसेस थोड़ा सा ज्यादा होते हैं पेशेंट के, जो आपका एनेस्थेसिस्ट है उसको आपको ध्यान अपने साथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी ओटी में गया पेशेंट ने रिंगर लगा दिया, अब रिंगर तो नहीं लगाना है, फ्लूड तो नहीं देना है ड्यूरिंग सर्जरी, आपने डाला 1 लीटर फ्लूड चला गया पेशेंट को, तो वो तो नहीं करना है। एंड प्रॉपर वर्कअप, क्योंकि एलवी हमेशा पुअर होता है तो एलवी चेक करेंगे, और प्रॉपर अगर आप वर्कअप से करेंगे, प्रॉपर ध्यान से आप करेंगे तो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। और ट्रांसप्लांट तो हम रेगुलर बेसिस पे करते ही हैं, तो उसके लिए भी हम लोग पेशेंट को प्रेफर करते हैं, और ट्रांसप्लांट सर्जरी आप जानते हैं बहुत डिफिकल्ट सर्जरी होती है, तो पेशेंट ऑफ डायलिसिस कैन बी ऑफर्ड एनी सॉर्ट ऑफ सर्जरी
बट एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रॉपर इवेल्युएशन ऑफ पेशेंट इज वेरी मच रिक्वायर्ड सो दैट कॉम्प्लिकेशन कम से कम हो पेशेंट का. श्योर सर, लास्ट वन और टू क्वेश्चन. पहला तो अगर कोई डायलिसिस पेशेंट आते हैं, बहुत बार लोगों को कोविड हो जाता है, अभी बहुत कोविड पेशेंट भी थे, तो उसके बाद कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन से ऐसे कुछ आपको देखने को मिला है जो मतलब आप बताना चाहेंगे ऑडियंस को? देखिए, कोविड जिनको हुआ है, फ्रैंक कोविड हुआ है, उनको डायलिसिस फैसिलिटी हमने प्रोवाइड की है ड्यूरिंग कोविड, हम लोगों ने कराया है. वो हमें याद है वो दिन जब बहुत मुश्किल हुआ करती थी पेशेंट को, बेड नहीं थे और डायलिसिस देना था पेशेंट को, तो वो भी हमने किया. खैर, बट अब क्या है कि डायलिसिस जो दिया है और जिनको फ्रैंक कोविड हुआ है, पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट हुआ है, उसके अंदर फाइब्रोसिस भी डेवलप हुई है, एंड दिस पेशेंट हैव सम सॉर्ट ऑफ लंग इन्वॉल्वमेंट, लाइक उनको फाइब्रोसिस हो गया है, उनका जो हाइपोक्सीमिया रहता है, उनको PCO2 बढ़ता है, एंड दे आर नॉट दैट वेल ऑफ एज कम्पेयर टू. कुछ लोगों को लॉन्ग कोविड सिंड्रोम हो गया है, तो आई हैव सीन फ्यू पेशेंट्स ऑफ माइन जो कि कोविड जिनको हुआ है एंड नाउ दे आर नॉट डूइंग दैट गुड एज दे वर यूज टू, जिनको पहले अच्छा मतलब परफॉर्म करते थे डायलिसिस के ऊपर. तो कुछ लोगों को लंग कॉम्प्लिकेशन हुई हैं, कुछ लोगों को लॉन्ग कोविड सिंड्रोम हुआ है, कुछ लोगों को बोन पेन या फिर जॉइंट पेन या फिर मसल पेन परसिस्ट कर रहा है आफ्टर कोविड. बट मुझे लगता है कि विद स्मॉल डोज ऑफ स्टेरॉइड, स्मॉल काउंसलिंग, स्मॉल इन एंटी इन्फ्लेमेटरीज एंड ऑल, तो आप डेफिनेटली यू यू कैन हेल्प दोज पेशेंट्स. आपको अगर लंग इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो बेटर टेक केयर ऑफ लंग फिजिशियन, वो जो कुछ हेल्प कर सकता है. इसके अलावा इनहेलर्स आप दे सकते हैं, पेशेंट का फ्लूड कम से कम रखें. तो थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग ड्यूरिंग कोविड, बट नाउ दे आर पीपल आर मेकिंग अप एंड ठीक ठाक चल रहा है फिलहाल. यस सर. सर, अगर मतलब हमें किसी डायलिसिस पेशेंट्स को वार्निंग साइन सिम्टम्स देने की बिटवीन द सेशन, जैसे एक दो दिन का गैप है, खासकर सैटरडे संडे वो इंटरडायलिटिक पीरियड ज्यादा हो जाता है, तो उस वक्त हमें क्या वार्निंग साइन सिम्टम्स समझाने चाहिए कि आप उस समय तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, ऐसे कौन से वार्निंग साइन सिम्टम्स होंगे? देखिए, इंटरडायलिटिक जो पीरियड है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया कि इंटरडायलिटिक पीरियड में पेशेंट क्या धरना चाहिए. अगर इंटरडायलिटिक पेशेंट पीरियड में पेशेंट को जरा सा अनइजनेस फील हो रहा है, उसको लेटने पर सांस फूल रहा है, उसको घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो ये प्रीमोनिशन मतलब ये साइन है, सूचक है कि आपको प्रॉब्लम होने वाली है. अगर अगर आपका डायलिसिस सेंटर 5, 6, 10 किलोमीटर दूर है, तो बेटर है कि आप वेट ना करें, आप कॉल करें और इमरजेंसी में डायलिसिस कराएं, बिकॉज दीज साइंस आर प्री मॉनिटरी साइंस कि आपको घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, अनइजीनेस फील हो रहा है, चेस्ट में हैवीनेस हो रही है, आप लेट नहीं पा रहे हो. तो ये जो साइंस है ना, ये आप जितनी जल्दी आप इनको पहचान लेंगे और जितनी जल्दी आप इसको छुटकारा पाने के लिए डायलिसिस करा लेंगे, क्योंकि आप अगर सैटरडे में प्रॉब्लम हो रही है, संडे में आप डायलिसिस जाना नहीं, मंडे जाना है आपको, तो आप एक दिन वेट नहीं कर सकते हो. और मैं आपको वॉर्न तो नहीं करूंगा, बट आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चाहते हैं कि अगर प्री मॉनिटरी साइंस को पहचान लें, घबराहट है, बेचैनी है, सांस फूलना है, लेट ना पाना है, मुंह में झाग आ रहे हैं खांसी में, तो दीज साइंस आर दो साइंस जिसको आप घर पे मैनेज नहीं कर सकते हो. अगर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो घर पे मैनेज नहीं कर सकते हो इसको, तो आपको जाना ही पड़ेगा सेंटर पे और प्रॉपर डायलिसिस लेनी पड़ेगी, इमरजेंसी डायलिसिस लेनी पड़ेगी. इनको अवॉइड ना करें, इनको ये ना सोचें कि रात में नहीं कल सुबह करा लेंगे, क्योंकि अगर एक बार आप विशेष साइकिल में चले गए, आप एक बार अगर अंदर चले गए उस बीमारी के अंदर, मतलब चक्रव्यूह में फंस गए, तो फिर कभी कभी पेशेंट को वेंटिलेटर लेना पड़ता है और पेशेंट को इवन कार्डियक अरेस्ट आर नोन टू ओकर, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. तो बेटर है कि प्रीमोनिशन साइन को पहचाने, ध्यान रखें, अपने कुलीग से कॉन्टेक्ट में रहें ताकि वो आपकी हेल्प कर सके. सर, लास्ट क्वेश्चन कि आजकल हम देखते हैं बहुत सारे अल्टरनेटिव मेडिसिन में एडवर्टीजमेंट आती है कि उनके क्योर से डायलिसिस बंद हो सकता है या बिल्कुल डायलिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ सकती है, तो इसमें हमें मतलब क्या आप मैसेज देना चाहते हैं, क्या ये पॉसिबल है और मतलब हमें इस तरह इसको कैसे एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए? नहीं, कभी कभी क्या होता है कि इसे मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि पेशेंट को समझ लो मैं बैठा हूँ 2 टायर सिटी में मिरठ में, पेशेंट ने 1 टायर सिटी दिल्ली गया देखने करने के लिए, पेशेंट डायबिटिक है, क्रिएटिनिन 5-6 है, और डॉक्टर ने उनको ये कहा कि भाई तुम्हें डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी कह रहे हैं वो, पड़ रही है या आज डायलिसिस करो ऐसा नहीं कह रहे, बट पेशेंट के घर वाले सोचते हैं कि डायलिसिस के लिए कह दिया उन्होंने, और वो क्या करते हैं कि पेशेंट को डायलिसिस कह दिया, अब वो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जाएंगे, वहां पर पेशेंट ओबीज है, मोटा है, 90-100 किलो का पेशेंट है, वो जो पंडित जी के पास गए उन्होंने या किसी भी गए ऑल्टरनेटिव थेरेपी में गए, उसने कहा खाना मत खाओ, ये मत खाओ, वो नहीं खाओ, पेशेंट का 20 किलो वजन कम हो गया 6 महीने के अंदर, पेशेंट माल न्यूट्रिशन में चला गया, क्रिएटिन उसका 6 से आ गया 4.5 आ गया, डॉक्टर साहब वो दावा कर रहे हैं कि हमने डायलिसिस छुड़वा ली, वो तरीका ठीक नहीं है.
जो भी कोई दावा कर रहा है कि डायलिसिस छुड़वा सकता है उस हम तभी मानेंगे जब उसका क्रिएटिनिन नॉर्मल हो। पहली बात तो अगर नॉर्मल नहीं भी हुआ रहा तो 8 से 2 पे आ जाता है, डायलिसिस नहीं करनी पड़ रही। 8 से 6.5 6.5 तो आ ही सकता है अगर पेशेंट प्रॉपर डाइट ले, मतलब मोटा हो तो अगर डाइट ले, खाना कम खाए, प्रोटीन बंद कर दे, माल न्यूट्रिशन चला जाए, कुकड़ बन जाए, तो देन ऑल्सो कैन क्रिएटिनिन कैन कम डाउन। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, चमत्कार तब मानेंगे जब आप डायलिसिस छुटकारा लाए एक स्वस्थ व्यक्ति को। जो 80 किलो का मरीज है उस 80 किलो के मरीज को 80 किलो रहते रहते ही डायलिसिस छुटका है, वो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आपके प्लेटफॉर्म पे मैं बतावे से कह सकता हूँ ये पॉसिबल ही नहीं है कि पेशेंट जो है जो परमानेंट किडनी फेलियर का है। देखिए दावा तभी करूंगा जब मैं देख लूँ कि पेशेंट वो वाकई है ESRD CKD5 है, और अगर वो CKD5 है तो आई हैव नॉट सीन एनी सिंगल पेशेंट इसका वेट मेंटेन होते हुए, और पेशेंट को CKD5 का पेशेंट है, वेट मेंटेन्ड है और डाइट वो ले रहा है और तब भी इसको डायलिसिस नहीं करना पड़ रहा, ये आई हैव नॉट सीन एनी पेशेंट टिल डेट। और मेरी अच्छी खासी 30-32 साल की प्रैक्टिस हो गई है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि पेशेंट कॉम्प्लिकेशन होते हैं, पेशेंट माल न्यूट्रिशन में आते हैं और माल न्यूट्रिशन वाले पेशेंट जो है बहुत पुअरली बिहेव करते हैं डायलिसिस पे, दे बहुत प्रॉब्लम फील करते हैं, कभी किसी के बहकावे में ना आए। सर जो एक सोशल स्टिग्मा जो अटैच हो गया है उस पे हम एक डिस्कशन कर लेते हैं, मे बी एक दो मिनट का, कि क्या कोई डायलिसिस पेशेंट एकदम बेड रिडन हो जाएगा डायलिसिस शुरू होने से पहले, वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं कर सकता, ट्रैवल नहीं कर सकता, ऐसा आर दीज मिथ्स और यू थिंक कि इसमें मतलब बहुत नहीं, डेफिनेटली डायलिसिस इज अ बून फॉर द पेशेंट हू आर ESRD, डायलिसिस इज अ बून फॉर द पेशेंट हू आर बॉर्न इनटू, जिनको टेंपरेरी रूप से किडनी खराब हो गई है, जिन पेशेंट को मलेरिया हो गया, बच्चा होने के बाद किडनी खराब हो गई है, उन पेशेंट के लिए एक जीवन दायनी मशीन है। मैं सजेस्ट करूंगा कि वो लोग पूजा करें उसकी, भगवान ने एक ऐसी विधि बनाई जिसके आपको किडनी का फंक्शन पूरी तरह रिप्लेस कर सकते हो आप, या पार्शियली रिप्लेस कर सकते हो, वरना किसी भी ऑर्गन को रिप्लेस करने के लिए इतना इजी सॉल्यूशन नहीं अवेलेबल है। हार्ट फेल हो जाए कोई सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, आपका किडनी वो ब्रेन फेल हो जाए कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपका लंग फेल हो जाए ECMO है, बट ECMO भी बहुत डिफिकल्ट है और पॉसिबल नहीं है। तो किडनी डायलिसिस जो है ये एक बून है हमारी सभ्यता के लिए। काफी लोग हैं, काफी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नाम हैं, आपने सुने होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, बट जो कि डायलिसिस की वजह से जिंदा है। तो इसलिए डायलिसिस एक बहुत बड़ी एक आपको भगवान ने दिया है, अल्लाह ने दिया है, आपको ऐसी जो विधि दी है जिसके द्वारा आप अपने टेम्परेरी किडनी फेलियर, परमानेंट किडनी फेलियर को मैनेज कर सकते हैं। तो प्लीज का अपमान ना करें और इसको रिस्पेक्ट दें प्रॉपर, ये आपको फ्यूचर में आगे भी हमेशा साथ देगी आप जब भी जरूरत पड़ेगी। तो थैंक यू सर, आई थिंक वी कम टू एंड ऑफ दिस क्यू एंड ए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने सारे क्वेश्चन इतनी पेशेंटली आंसर किए, एंड वी ऑल्सो थैंक द ऑडियंस फॉर पुटिंग इन अ वेरी इंटरेक्टिव सेशन, एंड वी थैंक डॉक्टर संदीप फॉर द टाइम एंड एफर्ट्स, एंड वील डेफिनेटली एंगेज यू सर इन एनी फर्दर सब सच मीटिंग सर, तो प्लीज थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, बाय बाय।